सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। काफी टाइम बाद मिले हर्ष से ना। दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सबसे बेटा। डॉगी बढ़ गया गाइस, ये तो अपने पैर कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो रहन दो फिर, सच्ची वीडियो बनाएंगे, हम भाग जाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई आप सब बढ़िया होंगे। आई एम एलन बीस्ट और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज सेकंड सैटरडे और गाइस आज हमारे पीटीएम भी है, तो अभी तो 10:30 और है। वैसे 10 o'clock से 12 o'clock तक है ना। और गाइस अभी मम्मा और मैं जा रहे हैं और भैया को थोड़ा काम था प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड, थोड़ा भैया के तो भैया पहले चले गए थोड़ा, तो अभी मम्मा और मैं जाएंगे यहाँ से, शायद पैदल जाएंगे या बस में जाएंगे। तो ऊपर तो मैं व्लॉग बनाऊंगा नहीं, फिर आके देखते हैं क्या करेंगे। जल्दी जाना पड़ेगा और मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस इधर हम फर्स्ट टाइम आए पीटीएम में और क्या बोलते हुए हम घर चल पड़े। सही था, आपको कैसे लगा? तो गाइस अब भैया तो ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे अपना मॉडल, तो भैया तो बाद में आएगा। तो गाइस यहाँ पर हम अभी चल रहे हैं और बीच में जैसे हम रास्ता भूल गया था, मैं एक बार आया था यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग अप्रोच रोड साइड से जाएंगे यहाँ से पैदल। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग जोगिंदर नगर का बीएड कॉलेज। तो गाइस बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं, बस अब 2-3 मिनट में। तो काफी देर घर जाके खाना भी बनाना है, वैसे भी घर जाके खाना भी बनाएंगे मम्मा, और मैं बैठ के इधर फोन चलाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा, देखते हैं। और शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं व्लॉग बनाने। आज मौसम थोड़ा खराब सा भी है पर बारिश नहीं हो रही ना, तो ठीक है। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया और हम लोग पहुँच गए थे, तो अभी कुछ मतलब 5 o'clock होने वाले हैं। और गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ आज के दिन, तो शाम के टाइम बस कहीं मैं दूर तो जा नहीं रहा हूँ, वही ग्राउंड जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो चलते हैं ग्राउंड की साइड और देखते हैं वहाँ व्लॉग वगैरह बनाएंगे। और गाइस मैंने अपने फ्रेंड हर्ष को भी बुलाया, तो आज काफ़ी डेज बाद मैं आप लोगों को हर्ष से भी मिलाऊँगा। मिल सकते हैं हर्ष से। हर्ष हेलो कर दे, काफ़ी टाइम बाद मिले हर्ष से ना। तो गाइस अभी हर्ष और मैं देखते हैं, हर्ष कुछ पैसे लाया है थोड़े बहुत, अगर हम मार्केट में जाएंगे पटाखे मिले तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ऊपर साइड ले मतलब ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर जो रोड है ना ऊपर कॉलेज से ऊपर वो जो है वहाँ जैसे देखते हैं। तो गाइस अभी हम दोनों चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे और रास्ते में हमको सनबॉल भी मिल चुका है और ये चला है बास्केटबॉल खेलने। तो गाइस अभी पटाखे तो हमें मिले नहीं, शायद बड़े दूर मिलने थे। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ग्राउंड में, देखते ग्राउंड में जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। मैं भी आज मतलब काफ़ी डेज बाद जा रहा हूँ और सनमोल मिला रास्ते में और वो भी चले गया बॉय स्कूल। तो गाइस अभी हम लोग ग्राउंड में पहुँचे थे थोड़ी देर पहले और अभी हम लोग बैठ के बस यहाँ बातें वगैरह कर रहे थे, फोन वगैरह चला रहे थे और देखते हैं अभी तो कोई भी नहीं आता ग्राउंड में। गाइस यहाँ से हमारा स्कूल दिख रहा है एसेंट, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा और ऊपर पूरे पहाड़ों में दिखाऊंगा। गाइस मैं आप लोगों को ग्राउंड दिखाता हूँ कैसा हो रखा है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग ग्राउंड में बैठे हैं यहाँ पर और अभी ग्राउंड में देख सकते हैं और वहाँ पे क्रिकेट अकेडमी के बच्चे पूरा हरा भरा हो रखा है। देखते हैं हम ग्राउंड में फुटबॉल खेलने भी आया कर सकते हैं थोड़े दिन बाद, तो पता नहीं कब। और गाइस वहाँ है हमारा स्कूल, वो देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, वो देख सकते हैं वहाँ पे वो जो है ये नीचे वाली लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग अभी कहाँ तक पहुँच गए, अभी हम लोग बातें कर करके आ रहे थे और गाने सुन गाने लगाए हुए थे मैंने फ़ोन में और गाने सुन सुन के आ रहे थे।
और अभी हम इतने ऊपर तक आ गए, देख सकते हैं। एक बार बड़े पहले आया था मैं यहाँ पर भैया के साथ, 2-3-4-5 मंथ्स हो गए कुछ ऐसे। तो गाइस अभी हम दोनों भी जा रहे हैं। गाइस आप लोग हर्ष को देख सकते हैं क्या कर रहा है। गाइस ये काफी मस्त लग रहे, देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाता, कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस हर्ष का आप लोग प्लान सुनिए, मास्टर प्लान एक मैं बताता। तो गाइस हर्ष ये बता रहा था कि गाइस ऊपर जैसे यहाँ दो डॉगीज है ना, देख सकते हैं अभी तो एक ही है। तो गाइस हर्ष बता रहा था कि अगर क्या बोलते हैं ईशान देखो कंटेंट चाहिए तो इस डॉगियों के पास जा, फिर बोलते हैं इनको थोड़ा सा परेशान कर, फिर भाग, फिर बोलना कि मेरे पीछे डॉगी पड़ गया। गाइस ये तो अपने पैर कुल्हाड़ी मारने जैसा, तो रहने दो फिर। तो गाइस क्या बोलते हैं बस हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं। तो गाइस आज का मेरा कंटेंट भी यही हो गया कि हर्ष का एक मास्टर प्लान था, उसने दिया मेरे को। तो गाइस हर्ष के बात सुनिए कि ये डॉगी करी खेलेंगे, भाग पाएगा इतनी जल्दी? हाँ इतने फास्ट, इतनी तेज नहीं है कुत्ते। हाँ कैसे नहीं है, एक आदमी फोन होगा हाँ। इसी वीडियो बनाएंगे हम, भाग जाएंगे। पीछे पड़ गए तो इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, और आगे और डॉगी मिल गए तो पता है मेरे घर में भी इतने सारे हैं। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं घर। तो गाइस आपको फ्री फायर की वीडियो चाहिए? तो गाइस हर्ष मेरे को कम से कम फ्री फायर की वीडियो डालकर, एक तो मैं वैसे खेलता तो नहीं हूँ पर मैं देखता हूँ दूसरे चैनल में डालूं ऐसे की। ऐसी जी ना छुप छुपाए ना छुप छुपाए। तो गाइस हर्ष बंदूक में लगते थे ना बचपन में, इतना फोड़ते थे इनको। गाइस हर्ष इनको पटाखों को घर में ऐसे दुकान वगैरह में फोड़ करा। क्यों एक बार खाने मैम ने बोला, मैम ने पकड़ लिया और मैम ने ले लिया था। अच्छा सारी मार मार तो पड़ी मैम ने बुला के रखे अब हम चले गए कुछ। तो गाइस देख सकते हैं हर्ष को, हर्ष के पास ये थी, मैंने अभी बताया हर्ष इसको फोड़ रहा है, देख सकते हैं पत्थर से ऐसे, इसको उंगली से भी फोड़ता था मैं बचपन में। गाइस एकदम से डर लग रहा है जब ये चट चट हो रही है इससे। गाइस अभी हर्ष डबल डबल करके फोड़ेगा। ओ वाओ ये रख इसको, ओ भाई हाथ में इसकी चिंगारी कल भी आना। तो गाइस मैं अभी फोड़ रहा था और हाथ में इसकी एकदम चिंगारी आई। गाइस इसके वास्ते एकदम से डर सा लग रहा है। गाइस ये थोड़ी सी बचपन में तो बहुत फोड़ते थे पर अभी बड़े टाइम बाद। तो गाइस अभी हम लोगों ने थोड़ा सोचा है कि इस ब्लॉग के दो पार्ट बनाएंगे, तो अभी हमारे पास है आधा कर घंटा। तो गाइस इस वाला ब्लॉग को एंड कर देते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वो पार्ट तो आपको देखने में पता लगेगा जो मैं बाद में डालूंगा, तो उसमें और मज़ा आएगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ही लगेगा पता। तो बाय।